नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप खबर अपडेट देख रहे हैं। कल भारत और पाकिस्तान के बीच इंग्लैंड में विश्व कप के अंदर पहला मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान और भारत की टीमें बहुत अरसे बाद आमने सामने होंगी। ऐसे में भारतीय टीम जीतेगी या पाकिस्तान, ये दोनों ओर के फैंस ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ गलतियाँ करता है तो भारतीय टीम कल का ये मैच जीत सकती है। बहुत जल्दी ही पहला विकेट खोएगा। पाकिस्तान की टीम पिछले कई मैचों में जब भी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उसकी सलामी बल्लेबाजी 40 रन से भी ज़्यादा नहीं जोड़ पाई। पिछले 12 मैचों में उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, उनकी सलामी बल्लेबाजी 40 रन भी नहीं जोड़ पाई। इसके अलावा जो दूसरी पार्टनरशिप करने के लिए जो अगले बल्लेबाज आए वो भी मिलकर के कम से कम 100 रन भी नहीं जोड़ पाए। ऐसे में ऐसे बहुत सारे मैच हुए, यानी 12 मैच ऐसे हुए जिसमें पाकिस्तानी टीम जो है इस वजह से हारी। तो अगर भारत को ये मैच जीतना है तो पाकिस्तान के पहले और दूसरे विकेट को 40 रनों से कम पर ही गिराना होगा। कम से कम पहला विकेट तो 40 रन से पहले गिराना होगा और अगले 100 रन से पहले जो है इंडिया को दूसरा विकेट उनका लेना जरूरी होगा। पावर प्ले में विकेट नहीं ले पाना। पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि उसके बॉलर पावर प्ले में विकेट नहीं ले पाए, यानी कि पहले एक ओवर से लेकर 10वें ओवर के बीच में वो एक भी विकेट नहीं चटका पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पिछले 12 मैच हारने पड़े। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, पर बॉलिंग की सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसे में भारतीय फैंस तो यही चाहेंगे कि कल भी उनके बॉलर जो है ऐसा ही कुछ करें। पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर हैं लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं। पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर हैं, शाबिद हैं, इसके अलावा एक और बॉलर हैं, इसके अलावा एक ऑलराउंडर भी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने मैच के दौरान कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले कई मैचों में ये सारे बॉलर्स जो है वो नाकामयाब रहे हैं, यानी कि विकेट लेने में ये फेल रहे हैं। ऐसे में भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि ये तीनों चारों जितने बॉलर हैं वो कल भी कम से कम अच्छा प्रदर्शन तो ना ही करें। 250 से कम रन बनाना या चेस करना। पाकिस्तान की टीम ने पिछले कई मुकाबले ऐसे खेले जिसमें उसने 250 रन का पीछा किया लेकिन वो हार गए। ऐसे लगभग 6 से ज़्यादा मुकाबले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उन मैचेस में भी लगभग उसे हार का ही सामना करना पड़ा, जबकि उसने 250 के कद से ज़्यादा के रन बनाए। यहाँ तक तो बात स्पष्ट है कि पाकिस्तानी बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देती है। यानी अगर वो 250 से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी भारतीय टीम के लिए होगी, अगर वो 250 से कम स्कोर करते हैं तो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए शानदार मौका होगा कि वो पाकिस्तान को पटकनी दे सके। लेकिन जैसा कि लोग चाहते हैं कि कड़ा मुकाबला हो, ऐसे में ये भी ज़रूरी होता है कि भारतीय टीम अगर बल्लेबाजी करती है तो वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करे ताकि मैच जो है वो रोमांचक हो सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताने के लिए नीचे कमेंट करें, अपने सुझाव दें, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।